नाजरीन आदाब, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। जहां एक तरफ योगी सरकार गरीबों की हर संभव मदद करने के लिए प्रधानमंत्री आवास दे रही है, तो वहीं कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से प्रधान व सेक्रेटरी के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अपात्रों को ही प्रधानमंत्री आवास आवंटित कर दिए हैं। ये बात हम नहीं सूत्र बता रहे हैं, जिस पर पात्र आज भी दर दर भटकने को मजबूर है। जी हाँ, आपको बताते चले, जनपद सीतापुर के ब्लॉक बेटा के ग्राम पंचायत रायमडोर में ग्राम प्रधान अच्छे लाल व सेक्रेटरी साजिद अली की मिलीभगत से बड़ा गोलमाल सामने आया है। बड़े बड़े दावे करने वाली योगी सरकार जमीनी स्तर पर कुछ और ही नजर आ रही है, वो आप इन तस्वीरों में बखूबी देख सकते हैं। अगर जमीनी स्तर पर कार्रवाई है तो ब्लॉक बेटा के ग्राम पंचायत रायमडोर में जाकर देखा जा सकता है, जहाँ ग्राम प्रधान अच्छे लाल के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने वाला व ग्रामवासियों के सुनने वाला कोई भी नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि जहां एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का अवैध वसूली पर रोक लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत रायमडोर के ग्राम प्रधान अच्छे लाल ने प्रधानमंत्री आवासों में आए धनराशि से 1,20,000 रुपए धनराशि में से लाभार्थियों से 20,000 रुपए वसूलने का लाभार्थियों ने आरोप लगाया है। तो देर न करते हुए आइए सीधे आपको उन ग्रामीणों के आरोप सुनवाते हैं जिन्होंने ग्राम प्रधान अच्छे लाल पर आरोप लगाए। तो सुनिए। क्या नाम भैया? गंगाराम। कहाँ रहते हो? रायमडोर। पिता का क्या नाम? पुत्तीलाल। आवास मिली नहीं मिली? मिली है। आवास में कोई पैसा से तो नहीं लिया गया? लिया गया है 25,000 रुपया। किसने लिया? प्रधान ने, अच्छे लाल। अच्छा, किसने दिया उनको? हमारे पापा ने। आपका क्या नाम है? देवी। आवास मिला नहीं मिला? मिला। कितने पैसे मिले आवास के? 1,00,000। और 20,000 क्या हुए? प्रधान। क्या नाम प्रधान का? अच्छे लाल। क्या नाम है बाबा? लाल। कहाँ रहते हो? रायमडोर। आवास मिला नहीं मिला? मिला है। पैसा से उतना लेना आवास? हम प्रधान 20,000 लेना है। कहाँ कहीं है जब लेना है? 20,000 रुपया और बाकी बनवा लीजिए। तो ये थे लाभार्थी जो बता रहे थे कि यहाँ पर ग्राम प्रधान के द्वारा प्रधानमंत्री आवासों में कितनी वसूली की गई है। अब आपको उन ग्रामीणों की बात सुनवाते हैं जो सड़क के किनारे जीवन गुजारने को मजबूर है। तो सुनिए। क्या नाम बाबा? हमारा नाम है वलीदीन। कहाँ रहते हो? रायमडोर। तो यहाँ सड़क पर क्यों रह रहे हो? सड़क का जब हमारे पास कुछ है नहीं, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे हैं। घर नहीं है? घर नहीं है। कोई सरकारी लाभ नहीं मिलता? कुछ नहीं। शौचालय मिला नहीं मिला? नहीं मिला। आवास? कुछ नहीं। प्रधान से नहीं कहते हो? प्रधान से कहे थे तो कहा थे देखो आ रही है, लेकिन हम जाहिल आदमी तो हमको मालूम ना आ रही है ना आ रही है, खाली कहा थे ना कोई गल्ला में यहाँ मिले। इतना सब लॉकडाउन लगा है लेकिन हम लोगों ने एक छटाक गल्ला नहीं मिला। क्या नाम है? कहाँ रहती हो? रायमडोर। यहाँ सड़क पर क्यों रह रही हो? सड़क पर जब जगह नहीं है तो कहाँ रही? क्यों, घर मकान नहीं है? घर मकान तो जाके देख सकते हो, हम सब कौन हकीकत तरीके से रह रहे हैं कि आप देखियो तो यह कही हो कि कैसे लेकर बच्चा लेकर राहत थी तुम सब देने। सरकारी लाभ मिला कोई नहीं मिला? नहीं मिला। प्रधान से नहीं कहते हो? प्रधान से कहो तो बताओ थे कि पैसा दे 10,000 रुपया जमा करो तो तुम्हारे काले में आओ तो पैसा कहाँ पर जो दी। अच्छा, पैसे की डिमांड करते हैं। अब आप क्या चाहते हो? अब कहाँ चाहते हैं? अब जैसे हो सके तो हमका भाई बनवाई दे रही, ना हो सके तो गांव चले जाइए। शौचालय मिला नहीं मिला? मिला रहा है। कितना पैसा मिला रहा है? 10,000। क्यों 12,000 आते हैं? 10,000 भेजना है। 2,000 किसने लिया? प्रधान। आपको चेक किसने दिया था? प्रधान भेजना है। ये सड़क पे कीचड़ भरा हुआ है, इससे कोई समस्या तो नहीं होती है? समस्या भैया बहुत होती है। निकलते तो डर तो नहीं लगता? डर लगता है। प्रधान आते कभी नहीं आते? नहीं आते, हम लोग इधर उधर से आते जाते हैं तो बीवी को लेकर जाते हैं, बच्चे को लेकर जाते हैं तो पानी भरा हुआ होता है, कहीं डर तो लगता ही कि गिर ना जाए। कई बार लोगों की दुर्घटना भी, चोट भी लगी, बहुत लोग आते जाते, बहुत लोग, बहुत रास्ता चलता है, मेन रास्ता तो यही गाँव का है। प्रधान से कहते नहीं हो? भैया कई बार कहा गया है फिर सुनते ही नहीं। न्यूज़ 9 लाइव टीवी के लिए तबस्सुम अंसारी के साथ बादल भारती, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर।